नक्सलियों की तरफ से लगाया गया आईईडी बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक जवान घायल हुआ है। इसकी पुष्टि झारखंड डीजीपी नीरज सिन्हा ने की। मामले में डीजीपी ने बताया कि घायल जवान की बेहतर इलाज के लिए उसे रांची लाया गया है। दरअसल सीआरपीएफ और जिला पुलिस की ओर से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी कड़ी में जिले के चैनपुर किरानगी जंगल में नक्सलियों की ओर से घात लगाकर आईडी ब्लास्ट किया गया है। आपको बता दें कि जिले में लगातार नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गुमला से हमारे संवाददाता अजीत जुड़ चुके हैं। अजीत, आईईडी बम ब्लास्ट हुआ है, नक्सलियों ने वहां पर बम लगाया हुआ था। इस घटना में एक जवान भी अभी जो है वो घायल हो गया है। क्या कुछ वहां से निकलकर सामने आ रहा है अजीत? जी बता दो कि गुमला में लगातार पुलिस माओवादियों के खिलाफ में अभियान चला रही है। और बता दो कि गुमला जिला अंतर्गत चैनपुर थाना क्षेत्र के कोचागानी बिरान जंगल पड़ता है, जिसमें आज सुबह ही झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के बीच जो है सो इसका सर्च अभियान चलाया गया था, जिसमें कि एसएसपी और एसपी गुमला शामिल थे। जी अजीत, लगातार नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है जिले में, क्या अब तक इस मामले पर कोई सफलता हाथ लगी है पुलिस को? अभी 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 फिलहाल अभी कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। फिलहाल इसमें इस दौरान जो है सो एक सीआरपीएफ के जवान जो है सो घायल हो गए हैं, जिनका दोनों पैर उड़ गया है। और बाकी जो है सो जितने भी जवान हैं और एसएसपी सहित अभी घटना से मौजूद हैं और सर्च अभियान जारी है उनका। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि गुमला में आईईडी बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक जवान भी घायल हुआ है, जिसको बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया है। और इसकी पुष्टि झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने की है।